आप सभी को मेरा वंदन। शहीद आजम भगत सिंह को आज फांसी का फरमान होने के बाद उनका अपनी माता तथा अपने जैसे सभी परिवारों की माताओं के लिए क्या आखिरी संदेश था, यह संदेश मैं आज आप सबके समक्ष अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान दीजिए। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, जन्मदात्री जननी मेरी ले अंतिम प्रणाम मेरा, जन्मदात्री जननी मेरी ले अंतिम प्रणाम मेरा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता मैं एहसान तेरा, सेवा ना कर सका आपकी यही है मेरा पछताना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। कोई भी वीर पुरुष कभी नहीं चाहेगा कि उसकी शहादत पर कोई भी आंसू बहाए, इसलिए भगत सिंह अपनी माँ को उनकी फांसी की सजा का शोक न मनाने का संदेश कुछ इस प्रकार देते हैं। मेरी मौत का मेरी मात से जब संदेश सुनाए, मेरी मौत का मेरी मात से जब संदेश सुनाए, तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार पलाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए, जो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन परसीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मन जाता है, बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधने चाहे मन पहले तू बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कर सकता है, हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अपहरण होगा जीवन जय मरण होगा, धन्यवाद। जाग रहे हम वीर जवान जियो जियो ए हिंदुस्तान, जाग रहे हम वीर जवान जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण है हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के सुर भी स्वर्ग की लेते हैं, हम है शांति दूत धरणी के छा सभी को देते हैं, वीर प्रसूमा की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान जियो जियो ए हिंदुस्तान, तन मन धन तुम पर कुर्बान जियो जियो ए हिंदुस्तान, थर थर तीनों लोक कांपते थे जिनकी ललकारों पर, स्वर्ग नाचता थारण में जिनकी पवित्र तलवारों पर, हम अर्जुन हम भीम शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रुघ्न करे अगर तो लहू वक्ष का पीते हैं, हम है शिवा प्रताप रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुर्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे, देंगे जान नहीं ईमान, देंगे जान नहीं ईमान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, जियो जियो ए हिंदुस्तान, हिंद सिंधु की कसम कौन इस पर जहाज ला सकता है, सरहद के भीतर कोई दुश्मन कैसे आ सकता है, लेकिन हम कुछ नहीं चाहते अपनी किंतु बचाएंगे, जिसकी उंगली उठी उसे हम यमपुर को पहुंचाएंगे, हम प्रहरी यमराज समान जियो जियो ए हिंदुस्तान, हम प्रहरी यमराज समान जियो जियो ए हिंदुस्तान, धन्यवाद। पांडव
किए पर जनपद अतिक्रम भार किए। दुर्योधन वह भी दिए न सका, आशीष समाज भी दिए न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था साथे साधने चला। जब नाश समझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दी गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जल जी भड़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जल जी भड़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। फिर वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले अब मैं भी जा रहा हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय क्या कि मरण होगा। धन्यवाद। ओम प्रकाश।